मैं कर्म में श्री मानस सेकिया सामाजिक कार्यकर्ता सेना बाहन जी आम अभुपुरुषार्थ को दिन राति आपे सकते जन्म लाभ कर गाँवते शहीद हो देशों नाम रक्षा कर আমার যিসকল বীরজী শহীদ জোৱান আছে তেখেতসকলৰ স্মৃতি জীৱনীয় কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেকটো অঞ্চলত যিবোৰ ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে তেখেতসকলৰ নামাকৰণে তেখেতসকলৰ বীৰ শহীদজনৰ নামাকৰণে নামাকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ পঞ্চায়তত আমাক এইটো পদক্ষেপ ল'ব কৈছিল আৰু সেইমতে আমি আমাৰ অঞ্চলৰ বীৰ শহীদ দেহিৰাম বৰাৰ স্মৃতিত যি গছপুৰীয়া গাঁৱৰ পথটি আমি তেখেতৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰিছোঁ শহীদ দেহিৰাম বৰা পথ। গতিকে এইখিনি আমাক সম্পূৰ্ণভাৱে আমাৰ চি অ' অফিচ জিলা পৰিষদ অফিচ আৰু চি আৰ পি এফৰ যিসকল অফিচাৰ আছে সম্পূৰ্ণ সহায় সহযোগ কৰিছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে বীৰ শ্বহীদজনৰ স্মৃতি আমাৰ মাজত সদায় জগমীয়া হৈ থাকক। আজি চি আৰ পি এফ জিলা প্ৰশাসন নাগাঁও আৰু স্থানীয় গণমান্য शहीद लांस नायक दधीराम बोरा ने देश को सर्वोच्च बलिदान दिया, उसको सम्मान देने के लिए, उसको याद करने के लिए और पूरे स्थानीय जो जनता है, गांव है, ब्राह्मण गांव और ये चारियाली, उसको जाने कि हमारे एरिया से एक महान वीर सपूत हुए हैं जिन्होंने देश की सेवा में आतंकवादियों से लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान किया है। तो दधीराम बोरा ये CRPF 18 बटालियन में तैनात थे, 1980 में CRPF में भर्ती हुए थे और ये घटना 26 दिसंबर 1993 की है। 26 दिसंबर 1993 को कश्मीर में लाल चौक के तनादेरी के दौरान आतंकवादियों ने सिविल ड्रेस में फेरन के साथ वेपन लेके अटैक किया हथियार और ग्रेनेड के साथ और उसमें दधीराम बोरा ने अपनी पूरी टीम के साथ बहुत ही वीरतापूर्वक लड़े जिससे पूरे आतंकवादी भागने पर मजबूर होने पड़े और कंपनी के बाकी साथियों को बचाया। लेकिन वीरता पूरी कार्रवाई में जो अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया उसकी वजह से शहीद लांस नायक दधीराम बोरा ने अपनी कंपनी और अपने बाकी साथी जवानों को बचाया। तो 26 दिसंबर 1993 को देश के लिए जो शहादत दिया तो शहीद का नाम पूरे देश मैं अमर हो गया। CRPF देश और यह असम राज्य जिला प्रशासन शहीद के वीरतापूर्ण कार्यों को याद करता है, CRPF उन पर बहुत गर्व करता है और उनके जो वीरतापूर्ण कार्रवाई है उसको यहाँ की स्थानीय जनता जाने, उनके परिवार जो शहीद का परिवार है आज यहाँ उपस्थित है, शहीद का परिवार को सम्मान मिले, शहीद के जो शहादत है उसको आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखें। इसको देखते हुए ये बमन गांव चारियाली से बार हतुमचिन का जो रोड है उस रोड का नामकरण शहीद लांस नायक दधीराम बोरा के नाम पर किया गया है और आज इस कार्यक्रम में और आगे ग्राम पंचायत के प्रेसिडेंट और उन लोगों ने यहां पर एक गेट भी बनाने का प्रस्ताव दिया है जहां पर दधीराम बोरा के नाम से गेट का रोड बनेगा। तो इस आज के पूरे कार्यक्रम में हम शहीद को सैल्यूट करते हैं, देश सैल्यूट करता है, CRPF नमन करती है। जय हिंद। आज अनुष्ठान उपस्थित होगा आप आए इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे मदर श्री दोस्त मीनाराम बोरा श्री सावंत सरकार के द्वारा नमस्कार सकलोक हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करिसो आज भव्य अनुष्ठान उपस्थित हुई
जनता से मेरा अनुरोध है कि वो सावधान हो जाएं और यहाँ